Hello students, welcome to digital learning. Today I am going to tell you about revision. बच्चों ये आपका PT revision है, PT 1 के लिए revision work है और इसमें मैंने questions भी दिए हैं और उसके answers भी मैंने दिए हैं. इस video को आप carefully watch करोगे तो let us start revision for PT 1. Okay, next we move on some multiple choice questions. बनाना हैज़ नो सीड और 1 सीड. बनाना में सीड होता है या नहीं होता है? तो ऑब्वियसली बच्चों बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ए राइस प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट और टैप रूट. तो राइस प्लांट जो है ग्रास फैमिली से आता है, सो ग्रास में कौन से रूट होते हैं बच्चों? फाइब्रस रूट. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइब्रस रूट. क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अबव द ग्राउंड, यानी पौधे का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है जिसे हम कहते हैं शूट, और द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. तो अभी पूछ रहा है द पार्ट रिमेन्स अबव द ग्राउंड यानी ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं शूट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी ईट रूट ऑफ बनाना और रेडिश. तो ऑब्वियसली आंसर होगा रेडिश, क्योंकि बनाना एक फ्रूट है और रेडिश एक रूट वाला भाग है जिसे हम खाते हैं. नेक्स्ट, वी ईट स्टेम ऑफ, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पोटैटो एंड कोकोनट. तो इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसका हम स्टेम खाते हैं? दैट इज़ पोटैटो. पोटैटो एक प्रकार का स्टेम वाला भाग है जो ज़मीन के नीचे होता है, इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि पोटैटो जो है दैट इज़ स्टेम, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कार्निवोरस, इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कार्निवोरस नहीं है? तो कार्निवोरस कौन से जानवर होते हैं? फ्लैश ईटर्स. तो टाइगर मांस खाता है इसलिए एक नहीं होगा, फॉक्स भी मांस खाता है इसलिए ये नहीं होगा, लेकिन जो शिप है दैट इज़ हर्बीवोरस, इसीलिए इट इज़ नॉट ए कार्निवोरस. तो शिप वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए लॉन्ग स्टिकी टंग, इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके लॉन्ग स्टिकी टंग होते हैं? रैबिट के? नो, सॉरी, रैबिट के हो सकता है? नहीं. बटरफ्लाई के? नहीं. फ्रॉग, इट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलो द सॉइल, इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो सॉइल को स्वेलो करता है? मस्कीटो? नो, इट सक्स ब्लड. स्नेक? नहीं. अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो कि मिट्टी में रहता है, केचुआ? इट सक सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनिवोरस, ओमनिवोरस कौन से जानवर होते हैं? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड फ्लैश, दोनों को खाते हैं. हॉर्स? नहीं, बिकॉज इट इज़ अ हर्बीवोरस. वुल्फ? नहीं, बिकॉज इट इज़ अ कार्निवोरस. बियर? यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ग्नोइंग टीथ, इसमें से कौन सा जानवर है जिसके ग्नोइंग टीथ नहीं होते हैं? रैबिट? होते हैं ऐसे ग्नोइंग यानी कि कुतरने वाले दांत, रैबिट भी कुतरता है, स्क्वायरल भी कुतरता है, लेकिन गोट, ये इसके पास ग्नोइंग टीथ नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी. लेट अस मूव ऑन सम मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, अभी देखो इससे पहले हमने कहा था अबव द ग्राउंड, तो अंडर द ग्राउंड क्या होता है? रूट. ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर? होगा रूट. एनिमल्स सच एज लायन टाइगर ईट ग्रास? नो. ग्रास एंड फ्लैश? नो. ओनली फ्लैश? यस. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? गिल्स के द्वारा? बिल्कुल नहीं. नोज के द्वारा? तो बिल्कुल नहीं. एंड स्टोमेटा के द्वारा? यस, स्टोमेटा के थ्रू ही सांस लेते हैं. यानी व्हाट इज स्टोमेटा? पत्तियों के ऊपर छोटे 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 जो छिद्र बने होते हैं उसे हम कहते हैं स्टोमेटा. प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम और फ्लावर. रूट के साथ? बिल्कुल नहीं. फ्लावर के साथ? तो बिल्कुल नहीं. यस, द करेक्ट आंसर इज स्टेम. नेक्स्ट,
लीव्स कंटेन ए सब्सटेंस, पत्तियों के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइबर्स. नो. लिवर, बिल्कुल नहीं. क्लोरोफिल, इट इज़ द करेक्ट आंसर. यानी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिनके कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है. अब बच्चों चलते हैं, हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को भी देख लेते हैं. द लीफ इज स्टोर हाउस ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी है ये. यानी कि लीफ क्या है? स्टोर हाउस ऑफ फूड है, यानी फूड का स्टोर हाउस है फॉर द प्लांट. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट. द प्लांट ब्रीथ इन द एयर एंड थ्रू आउट स्टोमेटा. द रूट हेयर एंड माइनर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. रूट हेयर क्या करता है? इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. द ग्रास हैज़ फाइब्रस रूट. याद रखोगे बेटा, ग्रास फैमिली जितने भी होते हैं उसके अंदर फाइब्रस रूट होता है, और बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर टैप रूट होता है. टैप रूट में क्या होता है? मेन रूट होगा और फिर उसके ब्रांचेस होते हैं. लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं होता है. फाइब्रस रूट में ये गुच्छेदार होते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स. दैट इज अ बिच फैमिली फीमेल डॉग गिव्स बर्थ टू पपी. यानी एक कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा. प्लांट डैश हैव सेंस ऑर्गन. प्लांट्स के पास दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. ओके, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. प्लांट्स लाइक अनियन वीट ग्रास हैव फाइबर्स रूट. कौन से रूट होते हैं? फाइब्रस रूट, ROUS. द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बच्चों ये से भी याद रखोगे आप, क्या कहते हैं इसे हम? फोटोसिंथेसिस. PHOTOSYNTHEIS. ओके, PHESIS, फोटोसिंथेसिस. बच्चों कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स है, यू कैन सी. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डोमेस्टिक एनिमल्स टू वर्क. फ्रॉग कैचेस द इंसेक्ट विद इट्स टंग. द अर्थवर्म सक सॉइल. एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग लिक मिल्क्स. लिक यानी ये इनके खाने का हैबिट है, यानी किस प्रकार से वो दूध को पीते हैं. दे लिक. काउ एंड बफेलो आर कॉल्ड च्यूइंग कर्ड एनिमल्स. क्योंकि ये अपने भोजन को चू करते रहते हैं, इसीलिए इनके खाने के हैबिट को कहा गया च्यूइंग ऑफ कर्ड. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. दिस इज़ योर रिविजन फॉर PT1, एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि बच्चों ये आपके रिविजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.